जितना भी हमर से बोर छोट है सबके एक साथ टुसु जोहार। तो आज हमने अपन संस्कृति, अपन गीत, अपन रहन सहन, अपन खाना, अपन पहचान के बात कर रही है। कहे कि हमने झारखंडी और आज झारखंडी हर इंसान, हर घरे घर, हर पंचायत, हर गांव, हर कुली में बस नूतन झारखंड के निर्माण के बात हो रही है। तो इतना समझे हो तो कि नूतन झारखंड की हमने तो झारखंड राज्य में है और ये अलग राज्य हमने के पुरखा दिलाए ना। तो नूतन झारखंड के मतलब की नूतन झारखंड के मतलब कि हमने के पुरखा हमने के राज्य दिलाए है पर अधिकार अब हमने के लड़के लेना और मर के लेना है जिस तरह हमने के पुरखा मर के ये झारखंड राज्य ले ले। अभी जैसे दीदी बोल लो और हमने के त्रिवेंद्र नाथ भैया सब और जितना भी क्रांतिकारी भैया सब छात्र सब है अभी दो दिन पहले एक दिन पहले जो भी हो पता चल लो झारखंड के जो छात्र है पर भविष्य बेचल गए तो हमने के भविष्य बेचे खातिर हमने सरकार के राज्य में आने लिए कि ना। तो इधर समझो हो कि जहां हमने के अधिकार ना हो लड़ के लड़ा हो तब तो झारखंड के निर्माण हो। तो हमने के पहचान लेना हो, हम झारखंडियों की पहचान 1932 के खतियार और ये लोग जो अभी सरकार पे बैठे हैं, जो अभी कुर्सी पे बैठे हैं, ये लोग हम लोग को नहीं दिलाने वाले हैं इतनी राज बच के और हमने के पास कंपनी के धुआं दिले को। तो हम खुली के पास कंपनी के धुआं खाना हो कि अपन घर से अपन बेटा के डॉक्टर और इंजीनियर बनाना हो। तो सबसे पहले कि हमने के पहचान तो झारखंडी कौन है, जैसे अभी हमने के स्वागत बांदर के थाप से करल गए लोग, तो जो सदियों से बांदर की थाप और झूमर की नाच कटी रखते आए हैं वही यहाँ के झारखंडी आदिवासी और मूलवासी है। जो झारखंड का आधार कार्ड और वोटर कार्ड बना बैठे हैं वो यहाँ के झारखंडी नहीं है। तो हमारी पहचान झूमर की नाच और मांगर की थाप से है, यही पहचान दिलाती है कि हम इस झारखंड राज्य के आदिवासी और मूलवासी है। तो अपन सांस्कृतिक कार्यक्रम के माहौल हम ये बोलना चाहो कि जे भी हो अभी के पीढ़ी अगर हमने धन संपत्ति खेत बाड़ी संजो के पैसा बैंक में रख रहा लेकिन शिक्षा के अपन आवे वाला पीढ़ी अपन आवे वाला बच्चा खातिर राखे हो तो कहीं तो जो आवे वाला पीढ़ी ना तो वो तोर जैसा किसान या मजदूरी करके अपन पेट ना पालतो तो पेट कैसे पालतो अपन रीढ़ के हड्डी शिक्षा और शिक्षा कैसे मिलतो जब तक ना कोई पढ़े लिखे युवा बेरोजगार बने घूम रहे हैं बाजारों में और अनपढ़ बाप के अनपढ़ बेटा बैठे हैं सरकारों में। इसलिए हमारे राज्य की शिक्षा बेची जा रही है, पेपर लीक करी जा रही है जिससे
दौलत दिला दलो, लेकिन हमने अभी भी आजादी के मतलब नहीं समझा ला। बाहरी के बुलत तो हमें अपन लोकसभा के ही देख ले, तो हमें के जो सांसद हो तो हमें बाहरी सांसद के गुलाम हा, तो बाहरी सांसद के गुलाम होने खातिर हमने ज्यादा काज मिल रहे लगे ना। तो अभी इस गुलामी के जंजीर के तोड़ो और 24 में बदलाव तोड़ने के विधायक भी बाहरी हो। तो जेकर पुरखा नहीं है बलिदान देने ने शहादत देने वही है हमर राज्य में विधायक और सांसद बन बैठल है। ये बिरसा की धरती है, ये निर्मल माता की धरती है, ये सिद्धू कान्हू चौक धारा और फुल्लू झानो की धरती है। तो अब झारखंडी ही यहाँ राज करेंगे, राज्य हमारा राज तुम्हारा नहीं चलेगा। अब इस राज्य में झारखंड राज्य में यहाँ की पहली रोटी और पहली शिक्षा में यहाँ के मूलवासी आदिवासियों का ही राज होगा। जब हमसे बचेगा हमली से ऊपर तो तब तो हमी के देवो वो भी 10% में देवो, 40 नहीं 40% बना देवो। काहे कि हमले पुरखा हमले खातिर आज हर चौक में देखा बिरसा मुंडा के मूर्ति, कहीं सिद्धू कान्हू के मूर्ति, कहीं नीलाम्बर सीताम्बर के मूर्ति, कहीं विनोद बाबू के मूर्ति, कहीं निर्मल बाबू के मूर्ति। तो पता खातिर उठा देख के भी तो हमें खून खोले चाहिए कि अपन खून से अपनी धरती लाल कर ले, तब बदले में हमली हरा भरा झारखंड राज्य मिल जाए। तो की खातिर दारू पी के बोरे खातिर अगर हमने मुर्गा दारू पैसा से भोट बचवा अपनी हमली राज्य बेचे के काम कर रहे हैं, सबूत सहित कहीं खाली बच रहे हैं, कहीं जमीन घोटाला कर रहे हैं, कहीं शिक्षा बच रहे हैं। दू साल में जैसे जैसे डीजीए के एडमिट कार्ड करो वो होता 2 मिनट में पेपर लीक कर दो। अरे ये बच्चा रांची में, धनबाद में, बोकारो में, जमशेदपुर में पढ़ रहा है, किसान के बच्चा है, मजदूर के बच्चा है, अपन पेट काट के खेती बाड़ी करके मिस्त्री करके अपन बच्चा के पढ़ावो तो नहीं तो राजा थारे समझ है नहीं। एक किसान के दर्द, एक किसान के संघर्ष, एक ठंड में किसान के जाड़ा के एहसास क्यों हो है वो ओडी गाड़ी और बड़का बड़का बकला में रहे वाला नेता ना समझ दो क्या समझ दो। एक नेता के घर से नेता पैदा हो सका हो पर क्रांतिकारी और आंदोलनकारी कभी ना पैदा हो सका हो, ये झारखंड सरकार में भी सबूत दिख रहे हो। लेकिन एक क्रांतिकारी घर से क्रांतिकारी और आंदोलनकारी बेटा जन्म ले ले, ले हो जेकर नाम ने वो टाइगर सरफ हो तो और वह दिल्ली में दहाड़ तो और झारखंडी के हाथ अभी काट दिले तो आपकी बार टाइगर जयराम माधो की सरकार, आपकी बार टाइगर जयराम माधो की सरकार। तो आप ठान लो कि हम झारखंडियों को आवाज उठाना है, जब अपने अधिकार की बात हो चाहे नेता हो या मंत्री अपने अधिकार की बात खुल कर कीजिए, खुल कर रखिए, क्योंकि इतिहास हमेशा तूफान से टकराने वालों की लिखी जाती है, तलवार चाटने वालों की नहीं। तो अभी तक कोहनी हाथ में हो कि कोहनी के इतिहास रचना हो कि बस जिंदगी से एक दिन, क्योंकि हर को आएगा तो यहाँ रहने ना आएगा, तो इतिहास रचवा की मैं जिस तरह हमने पुरखा बलिदान देने शहादत देने के तो बनना है ये है। अब हमने भी जान देवा खून बह में अन्नोते झारखंड के निर्माण के में, जो झारखंड के हाथ में झारखंड हो और बाहरियों से मुक्त करो इस राज्य को। तो इतना हमने के गलती हमने अपन आप के सुधारा। अभी चल जा रांची में जहाँ बड़ा बड़ा बिल्डिंग हो इस राज्य के नाम तो एक ठेला तक हमने लगे पावर ना हमने हरिया फिर के सुन जीबा तो हरिया सरकार वह ना कर तो मुर्गी पालो, सुअर पालो, भेड़ पालो, बकरी पालो, टप दे तो भार दे तो। अरे ये सब कितने दिन तक आप जब तक दिए, एक दिन तक। हमें वो चीज चाहिए, वो संपत्ति, वो धन चाहिए जो आने